तो ये बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। आज हम बनाने वाले हैं ब्रेकफास्ट सीरीज में बहुत ही अच्छा और टेस्टी नाश्ता, चावल और सूजी का। तो सबसे पहले मैंने चावल को भिंगा लिया है और ये 4 से 5 घंटे तक चावल को भिंगाया है। ये काफ़ी अच्छी तरह से फूल चुका है। इसे अब क्या करते हैं कि पानी से निकाल करके ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसे सभी को निकाल लेंगे इसमें। तो चावल को इसमें डाल लिया ग्राइंड करने के लिए। इसमें डालेंगे 1 कप सूजी, थोड़ी सी दही और इन सभी को पीस लेते हैं। तो ये पीस के मैंने बिल्कुल फाइन इस तरह का पीस के तैयार कर लिया है। ऐसे ही इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी। अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे जीरा, नमक, अदरक मिर्च का पेस्ट है, काली मिर्च पाउडर, इन सभी को अच्छी तरह से मिला लेंगे मिक्सर से। लास्ट में डालेंगे मीठा सोडा खाने वाला, इसे भी मिला लेंगे। अब इसे ढक करके 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देते हैं, फिर उसके बाद मिलते हैं। अब एक लेंगे कंटेनर और इसमें थोड़ा सा ऑयल डाल के चारों तरफ ग्रीसिंग कर लेते हैं ब्रश से अच्छी तरह से, कि जो मैंने पेस्ट तैयार किया है वो आराम से निकल जाए। ठीक है, तो देखते हैं। ये 10 मिनट हो गया है। अब इसमें डालते हैं ये इनो, काफ़ी अच्छा इसका रिएक्शन हो जाएगा और इसे काफ़ी अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट तक इसे फेंटते रहना है। ये फिट चुका है। अब इस बाउल में इसको इस कंटेनर में डाल देना है, इसे पूरा पेस्ट। इस पे थोड़ा सा लाल मिर्च डाल देंगे। अब एक पैन में पानी गरम करके स्टैंड रख के और मैंने इस कंटेनर को रख दिया है। अब इसे 15 मिनट के लिए जो है स्टीम करते हैं। स्टीम करेंगे और इसे ढक देंगे 15 मिनट बाद। इससे देखते हैं कैसा बनता है। तो अब इसे चेक करते हैं। देखिए ये रेडी हो चुका होगा। अच्छे से कॉफी ला लिया ये, चक्कू डाल के देख लेंगे। ये वो चिपक नहीं रहा है तो समझिए ये तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं अंदर से। ये काफ़ी अच्छे से फूल गया है और इसे 20 मिनट लगे हैं बनाने के लिए। थोड़ा ठंडा कर लेते हैं इसे तो ये निकल जाएगा अच्छे से। अब इसे पीस में काट लेते हैं, बिल्कुल शेप दे करके ऐसे काट लेंगे। तो ये बढ़िया सा टेस्टी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। फिर आप भी ट्राई करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ओके, बाय।